नमस्कार। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर एलजेब्रा में का अध्ययन हम इस वीडियो सीरीज में कर रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के बेसिक रूल्स या फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन द इक्वेशंस के बारे में अपन ने चर्चा की थी, किस तरह के किसी समीकरण के रूट्स होते हैं और हम किसी दिए हुए रूट से किसी डिफरेंशियल किसी पॉलीनोमियल इक्वेशन का निर्माण करते हैं। ये अपन ने पिछले वीडियो के अंदर बेसिक चर्चा की थी, आधारभूत चर्चाएं अपन ने की थी। आज हम समीकरण के मूल तथा गुणांकों के अंदर आपस में क्या संबंध होता है इसका अध्ययन करेंगे। प्रथम वर्ष के अंदर आपको 3 घात और 4 घात की समीकरण आती है जिनको आपको सोल्व करना होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम 10वीं या 12वीं में आप सोल्व कर चुके हैं। अब हम 3 घात और उससे अधिक घात वाले समीकरणों की चर्चा करेंगे, उनके गुणांकों की तुलना के बारे में पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अपन पहले 2 घात वाले समीकरण से शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए समीकरण अपने पास ये है, माना a0x2 + a1x + a2 = 0, द्विघातीय समीकरण है हमारी पड़ी हुई है और अल्फा बीटा इसके मूल मान लें, पर रूट्स मान लें, तो उस केस में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x² + a1(x0) + a2(a0) एंड दिस इज इक्वल टू x - α and x - β। अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं एंड दिस इज नथिंग बट द x² - α + β(x) एंड प्लस अल्फा बीटा। और अगर अपन कोफिशियंट्स की कंपेयर करें तुलना करने पर हमारे पास आता है सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -α/a1/a0 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू a2/a0, जो कि आपने 10वीं क्लास के अंदर या 12वीं क्लास के अंदर 11वीं क्लास में पढ़ा है। अगर मैं 3 घात के समीकरण लूं, क्यूबिक इक्वेशन की बात करें अपन, तो क्यूबिक इक्वेशन में अगर मान लेते हैं समीकरण a0x³ + a1x² + a2x + a3 = 0 और इसके अपन अगर रूट्स अगर ये मान लें अल्फा बीटा एंड गामा इनके अगर मूल हैं, तो उस केस के अंदर हमारे पास ये समीकरण बनती है x³ + a1/a0(x²) + a2/a0(x) + a3/a0 = x - α, x - β, and x - γ। क्यों? अपन ने माना है कि अल्फा बीटा गामा रूट्स है, इसका मतलब x - α, x - β, x - γ इसके फैक्टर होंगे। और इसको अगर अपन वापस अगर सोल्व करें तो ये कुछ इस तरह से बनता है, दिस इज इक्वल टू x³ - α + β + γ²² + α β + β γ + γ α एंड -α/β γ = 0। देखिए यहाँ पर द्विघात समीकरण के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने कहा कि ये जो इक्वेशन थी ये इसके बराबर है और इनको अगर खोलते हैं तो ये एक्सपेंशन से ये होता है, टर्म्स आती है, इनको अगर कंपेयर करें गुणांकों की तो हमारे पास एक्स के गुणांक x⁻⁰ के गुणांक बराबर के। ठीक इसी तरह से अभी भी अगर अपन गुणांकों की तुलना करें पुनः इस केस में 3 घात वाले केस में, तुलना करने पर हमारे पास वापस वही आता है α + β + γ सम ऑफ द रूट्स दिस इज -α/β/γ
दो दो मूलों का गुणनफल, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा ऑफ अल्फा, दिस इज ए टू अपॉन ए जीरो, एंड लास्ट वन अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस ए थ्री अपॉन ए जीरो। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ये कोफिशियंट्स के जो ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ये कोफिशियंट थे हमारे इस क्यूबिक इक्वेशन के, अल्फा बीटा गामा जो रूट्स थे उनके अंदर आपस के अंदर ये रिलेशन हमें मिलते हैं। इसी प्रकार अगर चार घात की समीकरण ले, क्वार्टिक इक्वेशन ले चतुर्थ घाती समीकरण के लिए, ए जीरो एक्स फोर प्लस ए वन एक्स क्यूब प्लस ए टू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री ऑफ एक्स प्लस ए फोर इज इक्वल टू जीरो, और इसके मान लीजिए रूट्स अपने पास हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसके मूल हैं। अगर ये इसके मूल मान लें तो उस केस में हमारे पास जो समीकरण मिलती है वो कुछ इस तरह बनती है, एक्स फोर प्लस ए वन अपॉन ए जीरो ऑफ एक्स क्यूब प्लस ए टू अपॉन ए जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री अपॉन ए जीरो ऑफ एक्स प्लस ए फोर अपॉन ए जीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा एंड एक्स माइनस डेल्टा, ये हमें मिलेगा। और इसको अगर एक्सपेंशन करते हैं, इसका अपन प्रसार करने पर क्योंकि ये एक्सपेंशन था इसका फैक्टर, अगर इस फैक्टर का पुनः प्रसार करें तो उस केस में हमारे पास ये बनता है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर फोर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा ऑफ एक्स क्यूब प्लस दो दो का गुणा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा अल्फा गामा एंड प्लस बीटा डेल्टा, ये दो दो का गुणन आ गया एक्स स्क्वायर, तीन तीन का गुणा अल्फा बीटा गामा डेल्टा अल्फा गामा डेल्टा एंड अल्फा बीटा डेल्टा। ये हमारे पास तीन तीन के गुणनफल आ गए, दिस इज एक्स, एंड लास्ट टर्म इज नथिंग बट द, देखिए ये प्लस आएगा ये माइनस, ये प्लस आएगा यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह आएगा, एंड लास्ट में आएगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा बराबर जीरो। तो ये जो इक्वेशन थी अपनी, ये इक्वेशन ही इसके इक्वल है। पुनः गुणांकों की अगर तुलना करें करने पर, मैं इसको लिखूं सम ऑफ अल्फा एक एक का, तो वही माइनस ए वन अपॉन ए जीरो, दो दो का गुणा लेऊं उनका जोड़ दिस इज ए टू अपॉन ए जीरो, तीन तीन का लेऊं मैं रूट्स, तीन तीन तीनों रूट्स ले लिए दिस इज माइनस ए थ्री अपॉन ए जीरो, एंड सबका मल्टीप्लीकेशन चारों का दैट इज ए फोर अपॉन ए जीरो। तो हम यहाँ देखते हैं कि देखिए सम ऑफ द रूट्स पहले वाले टर्म्स लिए दो घात वाले समीकरण के अंदर, तो माइनस ए वन अपॉन ए जीरो प्लस ये ए टू अपॉन ए जीरो आया, जिसको अपन माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए बोला करते थे पहले, और जब तीन घात का लिया तभी भी यही वैल्यू आ रही है माइनस ए वन अपॉन ए जीरो, दो दो का गुणनफल रूट्स का, तीन का रूट्स का गुणनफल। तो यहाँ पर जो a0, a1, a2, a3 ये जो कोफिशियंट्स है यही कंटिन्यू से आ रहा है। सम ऑफ द रूट्स लेते हैं तो ए वन अपॉन ए जीरो आ जाएगा, दो दो का लेंगे a2 आ जाएगा, तीन तीन का लेंगे तीन मूलों का गुणनफल लेंगे तो a3 आ जाएगा। वो का वो रिजल्ट चार घात वाली समीकरण में भी ऐसे ही आ रहा है, सभी का सम लें मूलों का रूट्स का तो माइनस ए वन, दो दो का लिया ए टू, तीन का लिया ए थ्री, चार का लिया ए फोर। साइन जो है अगर एक रूट्स ले रहे हैं किसी का गुणा नहीं आ रहा तो माइनस वन की पावर वन
अगर अल्फा बीटा दो रूट से एक साथ आ रहे हैं, प्लस बीटा गामा गामा डेल्टा दो दो रूट आ रहे हैं, तो माइनस वन की पावर दो, तीन तीन रूट आ रहे हैं माइनस वन की पावर तीन, चार चार आ रहे हैं माइनस वन की पावर चार। तो इस तरह से अगर हमारे समीकरण एन घात के समीकरण है, यदि समीकरण ये हो ए जीरो ऑफ एक्स की पावर एन प्लस ए वन ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू ऑफ एक्स की पावर एन माइनस टू एन प्लस ए एन बराबर जीरो एंड अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन मूल है, रूट्स हैं इस दी हुई इक्वेशन के, तो उस केस के अंदर सम ऑफ द रूट्स अल्फा वन इस तरह से लिखेंगे और देट विल बी माइनस ए वन बटा ए जीरो माइनस वन की पावर वन, दो दो रूट का मल्टीप्लीकेशन अल्फा वन अल्फा टू ए टू पॉन ए जीरो माइनस वन की पावर दो, चलिए मैं लिख देता हूँ माइनस वन की पावर दो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री देट विल बी माइनस वन की पावर तीन ए थ्री बटा ए जीरो, चार चार लेंगे अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर माइनस एक की पावर चार इंटू ए फोर अपॉन ए जीरो, और इस तरह से अगर सबका गुणा लेंगे एक साथ तो आएगा माइनस वन की पावर एन ए की पावर एन अपॉन ए जीरो। देखिए चार रूट्स लिए ए फोर, तीन रूट्स लिए ए थ्री, दो रूट्स लिए ए टू, एक रूट्स लिया ए वन, सबके नीचे ए जीरो डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो हम अगर एन घात की इक्वेशन ले तो उस केस के अंदर उसके अगर एन मूल हैं तो उन रूट्स का मूलों का और ये जो गुणांक है ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री वो इन संबंधों से दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, अपन को ध्यान रखना है। अभी अपन ने चार घात की इक्वेशंस लिखी थी और चार घात की इक्वेशंस अपन ने ये लिखी, पहले तीन घात की ले लेता हूँ मैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो, ये क्यूबिक इक्वेशन है। इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा गामा है तो हमने देखा कि समेशन ऑफ अल्फा दिस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिस इज माइनस बी बटा ए, दो दो मूलों का गुणनफल लिखेंगे अपन, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तीन ही टर्म्स होती है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से इसको लिख लोगे, एंड दिस इज सी अपॉन ए, एंड तीनों मूलों का गुणनफल दैट इज माइनस डी अपॉन ए। अब अगर चार घात की समीकरण लें तो लेते हैं अपन ए एक्स फोर बी एक्स क्यूब प्लस चार घात के लिए सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई बराबर जीरो, और इसके रूट्स अगर लें अपन अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो हमें पता है कि सम ऑफ द रूट्स दिस विल बी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा और देट विल बी माइनस बी अपॉन ए। दो दो मूलों को लिखते हैं अपन जब, तो दो दो मूलों को लिखने का जो तरीका है उसको याद रखना है, ध्यान रखना कि ये आते हैं अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा सॉरी अल्फा गामा एंड प्लस बीटा ऑफ डेल्टा, अल्फा गामा एंड डेल्टा अल्फा और रह गया अपने पास, तो यहाँ कोई ना कोई टर्म्स रह जाती है हमेशा, तो इसको याद रखने के लिए आप इसको ऐसे लिखो, दो दो रूट से एक साथ ले रहे हैं अपन, तो इसको इससे लिखो अल्फा प्लस बीटा एंड गामा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा बीटा, ये जो टर्म्स प्लस में आई थी एंड प्लस गामा डेल्टा। तो जब भी अपन दो दो मूलों का सम लिखेंगे, दो दो रूट्स का सम लिखेंगे इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन चार घात के समीकरण में, तो हम ये टर्म्स लिखेंगे। अब इसके अंदर छह टर्म्स आ गई एंड देट विल बी, चूंकि दो दो घात की दो वाले हैं रूट से एक साथ, तो
तो दो वाले में एक्स स्क्वायर का गुणा आएगा और देट इज सी अपॉन ए। ऐसे जब तीन रूट से एक साथ लें अपन एल्फा बीटा गामा, दिस इज इसमें चार टर्म्स है, ये एल्फा बीटा गामा डेल्टा, गामा डेल्टा एल्फा प्लस एल्फा बीटा एंड डेल्टा। तो ये अपने पास चार टर्म्स आई। अब इनमें कोई टर्म्स रह नहीं जाए या सोचना पड़े अपन को कौन सी रखना है, इसके लिए आप ऐसा करो कि ये ऐसे लिखो एल्फा प्लस बीटा एंड गामा डेल्टा। अब इनका मल्टीप्लाई होगा तो तीन घात वाली टर्म्स आएगी, और आगे वाले टर्म्स में जैसे लिख लो एल्फा बीटा, देखिए यहाँ दोनों का सम था, इन दोनों का गुणा था, तो अब इनको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और यहाँ जो मल्टीप्लाई था इसको लिख देंगे गामा प्लस डेल्टा। तो जब तीन रूट्स को एक साथ लेके गुणा करके जोड़ेंगे तो वो टर्म अपन इस तरह से लिखेंगे और देट विल बी माइनस ऑफ डी अपॉन ए। और चारों का एक साथ लिखना उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं क्योंकि सीधा ये रहेगा, और देट विल बी ई अपॉन ए। साइन वही जैसे अपन ऊपर बात की, अगर एक एक रूट्स आ रहे हैं तो माइनस वन की पावर वन, दो दो रूट्स एक साथ ले रहे हैं माइनस वन की पावर दो, तीन तीन रूट्स एक साथ ले रहे हैं माइनस वन की पावर तीन, चार चार रूट्स ले रहे हैं माइनस वन की पावर चार। तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है, एक तो ये टर्म्स जो आपके बार बार काम आएगी और एक ये वाले टर्म्स जब अपन चार घात की समीकरण को कंसिडर करेंगे। कुछ समीकरण को अपन को ध्यान रखना है, कई बार दिया होता है कि रूट्स आर इन ए पी रूट्स आर इन जी पी, तो अपन को कौन से रूट मानने चाहिए। कि मान लिया ये समीकरण आपके पास ए जीरो ऑफ एक्स क्यूब प्लस ए वन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए टू ऑफ एक्स एंड प्लस ए थ्री ऑफ जीरो, और ये दिया हुआ हो कि रूट्स आर इन ए पी, तो उस केस के अंदर हम जो मूल मानेंगे वो कुछ इस तरीके से मानेंगे एल्फा माइनस डेल्टा, एल्फा एंड एल्फा प्लस डेल्टा। अगर आपकी समीकरण ये है ए जीरो एक्स फोर ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स प्लस ए फोर बराबर जीरो, चार घात की है, और रूट सारी नेपी, चलो ये कैसे अपन पूरा ले लेते हैं, रूट्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इन दैट केस हम जो मूल मानेंगे जो रूट्स अपन मानेंगे वो लेंगे एल्फा माइनस थ्री ऑफ डेल्टा, एल्फा माइनस डेल्टा, एल्फा प्लस डेल्टा एंड एल्फा प्लस थ्री ऑफ डेल्टा। देखिए हर एक का डिफरेंस टू डेल्टा ले रहे हैं अपन, तो ये आपके पास रूट जो है वो एपी में, ऐसे ही अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा अल्फा प्लस डेल्टा, ये रूट भी एपी में होगा जबकि इक्वेशन तीन घात की दी हुई है। इसी प्रकार तीन और चार घात के लिए जब रूट्स जीपी में हो रूट्स आर इन जीपी और क्यूबिक इक्वेशन, तो क्यूबिक इक्वेशन केस के अंदर जो रूट्स मानेंगे अपन रूट्स विल बी, अभी एल्फा माइनस डेल्टा लिया था उसकी जगह ले लेंगे एल्फा अपॉन आर एल्फा एंड एल्फा आर। देखिए यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे थे एपी के अंदर, यहाँ आर से डिवाइड कर देंगे जो रेशियो है अपना यूनिवर्सल रेशियो। इसी प्रकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन चतुर्थघाती समीकरण के लिए रूट्स जो लेंगे अपन एल्फा माइनस थ्री डेल्टा एल्फा अपॉन आर क्यूब, एल्फा माइनस डेल्टा एल्फा अपॉन आर, एल्फा प्लस डेल्टा एल्फा आर एंड एल्फा थ्री डेल्टा था बस एल्फा आर क्यूब। तो देखिए यहाँ आर स्क्वायर हमारे पास कॉमन रेशियो आ रहा है, सार्व अनुपात जिसको आप बोलते हैं, और यहाँ पर सार्व अंतर जो आ रहा है कॉमन डिफरेंस वो टू डेल्टा था, यहाँ पर आर स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह। तो ये अब हमारे पास दिया होता है कि कई बार इक्वेशंस के रूप एपी में है या रूट जीपी में है, तो उस केस के अंदर अपन रूट कैसे मानेंगे। इसी प्रकार अगर ये दिया हो कि इफ
ए जीरो एक्स एन प्लस ए वन एक्स स्क्वायर की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन ए एन वराउट जीरो एंड गिवन दैट रूट्स आर इन एच पी हरात्मक प्रोग्रेशन के अंदर है तो उस केस के अंदर हम पुट करेंगे एक्स इक्वल टू वन अपॉन वाई और जो नई इक्वेशन बनेगी ए एन वाई की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन वाई की पावर एन माइनस टू उधर से स्टार्ट हो जाएगी अपनी इक्वेशन एंड प्लस ए जीरो बराबर जीरो ये जो इक्वेशंस आएगी तो इस इक्वेशंस के रूट्स रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी इन एपी। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, आपको पहले पढ़ा हुआ है कि अगर हमारी दी हुई समीकरण के रूट्स मूल हरात्मक माध्यम में है तो उस केस में एक्स को अगर वन अपॉन वाई से रिप्लेस कर दें तो जो नई समीकरण प्राप्त होगी उसके रूट एपी में होंगे और इसको सोल्व कर लेंगे, इसके जो भी रूट हैं उनको इन्वर्स कर लेंगे तो हमारे पास दी हुई समीकरण के रूट आ जाएंगे। अगले वीडियो के अंदर अपन इस पर बेस्ट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।